लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम मोदी के। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर गाजियाबाद में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि कानपुर के बाद वो यहीं पहुंचेंगे। सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए 4,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियां लगाए गए हैं। जनसभा स्थल पर करीब 1,00,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, हालांकि इससे ज्यादा लोगों के यहां पहुंचने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने रैली स्थल का जायजा लिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कानपुर सभा के बाद सीधे पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, और गाजियाबाद में तैयारियां जोरों पर हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें कि किस तरीके से यहां पर सिक्योरिटी चाक चौबंद कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सिटिंग अरेंजमेंट आप देख रहे हैं मेरे पीछे, प्रॉपर तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट लगाया गया है। VVIPs और उनके पीछे आम पब्लिक के लिए अलग अलग सेक्शंस में सिटिंग अरेंजमेंट्स को रखा गया है। साथ साथ जगह जगह पर LED TV लगाई गई है, ताकि जब प्रधानमंत्री अपनी स्पीच दे रहे हों तो उन्हें देखने में या सुनने में किसी को कोई परेशानी नहीं हो। बहुत बड़े परिसर में ये पूरा अरेंजमेंट किया गया है। जहाँ तक आप देख सकते हैं नज़र जा रही है, दूर दूर तक सिटिंग अरेंजमेंट्स आपको दिखाई दे रही होंगी। तकरीबन 1,00,000 लोगों की कैपेसिटी वाले इस जनसभा स्थल को बनाया गया है। यहाँ पर चेयर्स लगाई गई हैं और प्रॉपर अगर पुलिस की व्यवस्था कहें तो बहुत ही ज़्यादा मुस्तैद कर दी गई है। 4,000 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया है। 3 लेयर सिक्योरिटी की बात की गई है, जिसमें CISF के जवान भी है, रैपिड एक्शन फोर्स भी है, और गाजियाबाद जिले की पुलिस भी है, और आसपास जिले की पुलिस को भी बुलाया गया है। और साथ साथ जब यहाँ पर लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं तो सभी जो अपने अपने सेक्शंस में बैठेंगे उन्हें कार्ड दिए गए हैं, उस कार्ड को देख कर ही उनको एंट्री दी जा रही है। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो स्टेज है वो भी काफ़ी दूर और काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया है, ताकि जो लोग यहाँ पर मौजूद हों उन्हें सीधे PM को देखने और उनकी स्पीच सुनने में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंच बनाया गया है। तो हमारे साथ आपको बता दें पवन गाजियाबाद से जुड़ भी गए हैं। पवन, क्योंकि अभी कानपुर पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी, तो गाजियाबाद में कितने बजे का उनका कार्यक्रम है और क्या कुछ उनका पूरा आज दिन भर का यहां कार्यक्रम रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज जो गाजियाबाद में कार्यक्रम है वो 3:30 बजे का तय कार्यक्रम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 बजे के आसपास वो लैंड करेंगे। यहाँ इस जनसभा स्थल में आने से पहले वो सबसे पहले नया बस अड्डा पहुँचेंगे। नया बस अड्डा पे जो मेट्रो स्टेशन है, जो डायरेक्ट जो अब गाज़ियाबाद के लोगों को दिल्ली से कनेक्ट करेगा, उसको हरी झंडी दिखाएंगे। उसको हरी झंडी दिखाने के बाद वो वापस हिंडन के एयरबेस पे आएंगे, जिसके बगल में घरेलू विमान उड़ान केंद्र बनाया गया है, जहाँ से अब लोग आसानी से देश भर में कई जगहों पर ट्रेवल कर सकेंगे और प्लेन पकड़ सकेंगे। उसके बाद एक विशाल जनसभा के लिए व्यवस्था की गई है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर लोगों ने पहुँचना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि पूरा हॉल, अब आपको देख रहे होंगे कि किस तरीके से पूरा हॉल खचाखच भरना शुरू हो गया है। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने में काफ़ी समय है, लेकिन लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं वो सभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, और ये सभी लोग यहाँ पर पहले से आकर अपनी सिटिंग अरेंजमेंट्स में बैठ गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज 32,500 करोड़ से ज़्यादा का जो परियोजनाएं हैं उसका शिलान्यास और लोकार्पण भी प्रधानमंत्री यहां से करेंगे। इन योजनाओं से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का ही भला नहीं होगा, लेकिन किसानों का भी बहुत ज़्यादा भला होगा। सबसे बड़ी बात है जो रैपिड ट्रेन शुरू हो की जाएगी, रैपिड ट्रेन यहां से शुरू होगी जो दिल्ली गाज़ियाबाद और मेरठ को जोड़ेगी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रैपिड मेट्रो ट्रेन शुरुआत की जाएगी, और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग मेरठ से दिल्ली के लिए ट्रैवल करते हैं और दिल्ली से मेरठ जाते हैं, गाज़ियाबाद से मेरठ जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत होने वाली है। तो बहुत सारी सौगात देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाज़ियाबाद पहुँचने वाले हैं, और लोगों को इन सौगातों के ज़रिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ऐसी चीज़ों का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। लेकिन अगर अगर हम देखें, जिस तरह आपने जिक्र किया कि करीब 3:30 बजे के आसपास उसमें पहुँचने का कार्यक्रम है, और लगता नहीं कि वो 4 बजे से पहले भी यहाँ पहुँच पाएंगे, लेकिन वाकई में जो हम तस्वीर आप दिखाई एक बार दर्शकों की, वहाँ दर्शकों को क्योंकि उत्साह बहुत देखने को मिल रहा है लोगों में, और अभी से यहाँ इतनी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए हैं जबकि कार्यक्रम अभी 2 घंटे बाद होना है। जी बिल्कुल, मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, लोगों का उत्साह किस तरीके से देखते हुए बन रहा है। लोग यहाँ पर
पहले से ही पहुंच गए हैं और जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। आप देखिए कि बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष सभी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, दूर दूर से आए हैं यहां पर लोग। और देखिए पीछे तक, जहां तक हमारा कैमरा देख सकता है वहां तक मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए, उत्साह देखते ही बनता है। अभी इस कार्यक्रम को शुरू होने में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का वक्त है, लेकिन लोगों का उत्साह साफ देखते हुए बन रहा है। लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और लोग यहां पर मोदी मोदी के नारे भी लगाते दिखाई दे रहे हैं। और पुलिस व्यवस्था अगर बात करें तो 4000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को लगाया गया है और सभी लोगों को यहां पर तैनात किया गया ताकि किसी तरीके की कोई अव्यवस्था ना हो, कोई चूक ना हो। आप देखिए कि जिस तरीके से लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और मोदी मोदी के नारे भी लगना अब शुरू हो चुके हैं और लोगों में उत्साह जो है वो देखते बनता है। कहीं ना कहीं एक बड़ी विशाल जनसभा है ये, इसको संबोधित करने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं और इस पूरी जनसभा को यहाँ से संबोधित करेंगे। इतनी ज़्यादा परियोजनाएं हैं कि कहीं ना कहीं एक आम आदमी से जुड़ा हुआ लोग अपने आप को महसूस करेंगे। अगर बात करें तो 32,513 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ से किया जाएगा। उत्साह देखिए आप, उत्साह देखते हुए बनता है लोगों का। काफी समय पहले ये लोग जी बिल्कुल, लेकिन पवन एक और आपसे मेरा सवाल है कि अब क्योंकि कुछ दिन बाद आचार संहिता लगने तय है, यानी 1 या 2 दिन में ये तय हो जाएगा कि आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, तो बीजेपी पूरी तरह अब चुनावी मोड में नजर आ रही है और कार्यकर्ताओं में भी दिख रहा है उस तरह का उत्साह। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आने वाले 2 से 3 दिनों में ही उम्मीद है कि आचार संहिता लग जाए। इससे पहले ही सरकार चाहती है कि अपने अपने जितने भी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, सभी को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें और इसी वजह से प्रधानमंत्री लगातार तूफानी दौरे पर हैं और इस तूफानी दौरे के चलते वो जगह जगह जाकर लोगों से जुड़ी हुई जो उनकी हितकारी परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। क्योंकि एक बार अगर आचार संहिता लग गई तो उसके बाद सरकार किसी भी तरीके से आम आदमी को फायदा पहुँचाने वाली किसी भी परियोजना का शिलान्यास नहीं कर सकती। इसीलिए माना जा सकता है कि 2019 का जो इलेक्शन बिल्कुल अब नज़दीक सर पर आ चुका है, उसी में लोगों को साधने के लिए, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को साधने के लिए इस तरीके की रैलियों का आयोजन किया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं, लोगों के लिए सौगातें लेकर जा रहे हैं और आम आदमी से जुड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन, आगे भी आपसे अपडेट ले रहेंगे। और हमारे सहयोगी पवन त्रिपाठी हमें गाजियाबाद से दे रहे थे कि किस तरह योजनाओं का यहाँ पर सौगात मिलेगी गाजियाबाद के लोगों को, लेकिन लोगों को उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि कुछ ही दिन बाद हो सकता है 1 या 2 दिन में आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद फिर शायद योजनाओं का जो शिलान्यास और लोकार्पण है वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब ताबड़तोड़ उनके दौरे चल रहे हैं।